हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को एसएपी पे अगली क्लास करनी थी। आज हम लोग को पढ़ना था बेसिकली रिवर्सल, और रिवर्सल के साथ साथ हम लोग पार्किंग पोस्टिंग भी कवर करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे कि हम लोग को पता है अभी पिछली क्लास तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने पार्किंग पोस्टिंग कर लिया, हम लोग ने जीएल क्रिएशन सीख लिया, ठीक है। तो जीएल क्रिएशन के बाद जीएल पोस्टिंग हम लोग ने दोनों दो टी कोड्स के थ्रू हम लोगों ने सीखा है, वो है FB50 और F-02। क्लियर? तो ये दो टी कोड्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग जनरल एंट्री कर सकते हो। FB50 की बात करें तो ये क्या होता है, FB50 जो टी कोड होता है वो जीएल पोस्टिंग है, जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट के लिए। जबकि F-02 मैंने आपको बताया था, इट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस, इट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन डू एनी टाइप्स ऑफ एंट्री, इवन दो कस्टमर, वेंडर, एसेट रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन तुम F-02 से कर सकते हो। जी फिर नेट भी नहीं। ओके, नाउ एट फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू पास ए एंट्री। ऑलरेडी वी हैव लर्न, सो FB50, सो वी आर गोइंग टू पोस्ट अ ट्रांजेक्शन थ्रू FB50। वेरी सिंपल वे टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट डेट, यू नीड टू पुट द डॉक्यूमेंट डेट। आई ना रेफरेंस नंबर, यू कैन पुट द इनवॉइस नंबर, हेडर टेक्स्ट, जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू पोस्ट एनी इनकम एंट्री। सॉरी, 2024 जीएल डॉक्यूमेंट, वी आर फाइंडिंग आवर जी एल थ्रू द टी कोड, सॉरी कीवर्ड। सपोज कैश अकाउंट इज डेबिटेड, हाउ मच अमाउंट, 5,000। ओके, सपोज वी नीड टू पुट हियर इनकम एंट्री, इनकम अकाउंट, बट सपोज वी हैव टेकन रॉन्ग अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे जानबूझ के गलत एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती से एक्सपेंस का जीएल मैंने पकड़ा दिया। नाउ एंट्री इज ओके, वी कैन पुट द नरेशन ओवर हियर बींग कमीशन रिसीव। सो मैंने यहाँ पे कमीशन रिसीव किया है। बिफोर पासिंग, बिफोर सेविंग दिस एंट्री वी नीड टू सिमुलेट दिस एंट्री। आफ्टर सिमुलेट वी कैन चेक द डिटेल, दिस इज द डॉक्यूमेंट टाइप एसे, एसे इज द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर जीएल पोस्टिंग, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डेट, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग डेट, पीरियड इज 10th बिकॉज इट्स जनवरी। नाउ नेक्स्ट, इनवॉइस नंबर, करेंसी INR, इनकम एंट्री। ओके,
सो नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट दिस एंट्री. नाउ हियर पोस्टिंग की इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फॉर डेबिटिंग अ जी एल 40 एंड 50 इज अ पोस्टिंग की फॉर क्रिएटिंग अ जी एल. सो यहाँ पे 40, 40, 50 यूज होता है. 40 इज टू डेबिट, 50 इज फॉर क्रेडिट जी एल. नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जी एल के लिए. आगे हम लोग एसेट पढ़ेंगे उसके लिए 70, 75 है, 70, 75. पोस्टिंग की इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड समटाइम इंटरव्यूज इंटरव्यू विल आस्क दिस दीज थिंग्स जस्ट लाइक यू डू यू नो पोस्टिंग कीज. ओके, क्योंकि ऐसे भी पढ़े तो पोस्टिंग की तो पता होगा ना. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सेव दिस एंट्री, कंट्रोल एस. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड नाउ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द एंट्री ऑन अ न्यू सेशन. आई एम जस्ट ओपन अ न्यू सेशन, कंट्रोल एंड. ऑन दिस सेशन आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द रिपोर्ट FBL3N. FBL3N इज यूज टू चेक द रिपोर्ट जी लेजर वाइज, लेजर वाइज रिपोर्ट. सॉरी, सपोज आई एम गोइंग टू चेक द लेजर ऑफ कैश. सो दिस इज द एंट्री 29th. ओके, फॉर फ्रॉम दिस रॉन्ग एंट्री यू कैन सी हियर कैश इज ओके. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द टेलीफोन लेजर, टेलीफोन एक्सपेंस. When you check this GL, so you can see here, telephone expense is credited. It is wrong, basically. Now here you can see real the telephone expense total amount should be 8,100, but it's reduced by 5,000. ये wrong हो गया ना, इसको ठीक करना है. ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एंट्री की है उसको हमें रिवर्स हमें उसको ठीक करना होगा. ठीक कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. ये एंट्री एक बार चेक करते हैं, ये पे डबल क्लिक करेंगे. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट यू कैन चेक द एंट्री. जस्ट गो इनटू दिस डॉक्यूमेंट ओवरव्यू. नाउ हियर यू कैन सी द एंट्री. नाउ हियर यू कैन सी द एंट्री, कैश इज डेबिटेड, इट इज ओके. कैश तो डेबिट हुआ है, वो सही हुआ है. टेलीफोन गलती से क्रेडिट हो गया, तो टेलीफोन की जगह पे हमारा कमीशन होना चाहिए, कमीशन रिसीव क्रेडिट होना चाहिए और टेलीफोन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे. सही है ना, एक तो ये होता है, एक तो ऐसे रेक्टिफिकेशन की एंट्री होती है. बट हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना, हमें सीधे सीधे इस एंट्री को रिवर्स करके इसको खत्म कर देना और सही एंट्री फिर पास कर देंगे. बात समझे कि नहीं समझे, हम पूरी एंट्री को हम रिवर्स करना है. क्योंकि हम नॉर्मली इफ यू गोइंग टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो आप सीधे सीधे एंट्री करोगे क्या, आप एक नया एंट्री करोगे. आप क्या करोगे, एक नया एंट्री करोगे. वो नया एंट्री करके मैं दिखाता हूँ आपको, रेक्टिफिकेशन एंट्री. और फिर हाँ, वो थोड़ा सा अकाउंट्स ठीक रहना चाहिए, वही कर पाएगा. नॉर्मली रेक्टिफिकेशन एंट्री इज दिस. नाउ हियर यू नीड टू पोस्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री. रेक्टिफिकेशन एंट्री यू आर गोइंग टू डू, टेलीफोन एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड. नाउ इट इज डेबिटेड बाई हाउ मच, 5,000. नाउ कमीशन शुड बी क्रेडिटेड. Now here you need to find commission receive account. Yes, it is there. Amount, to copy the amount you need to press star enter. Now control S. Now here you can see another document is generated. This is the problem basically. Okay. So now here if you see the report. If I refresh this report, you can see this report. Now I am going to refresh this report, go into the list and refresh it.
हियर इट इज ओके, नाउ 8100, नाउ इट इज बिकम रेक्टिफाई, नाउ द एंट्री इज नाउ रेक्टिफाइड, ना एंट्री रेक्टिफाई हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सेकेंड वे टू रेक्टिफाई दिस एंट्री विच इज मोस्टली एवरी वन यूज इन एस ए पी सिस्टम. सपोज अगेन आई एम गोइंग टू पोस्ट द रॉन्ग एंट्री FB50. Suppose just like I am going to pass a contra entry. Suppose we have deposited in bank 2000 rupees. Okay, so bank should be debited, but here I am just going to post a wrong entry, so I am debiting cash. Star to copy narration plus. Okay. Now here you can see I have cash deposited into bank. So bank should be debited, but here I am pass a wrong entry, cash account debit to bank. Control S. Here. So we have passed a wrong entry. Now I am going to check the report onto the another session. / NFBL3N. Execute. Now here you can see 2000 rupees na. Now select the document date and just use this button, this one, shorting descending order. Now the entry is showing on the top. Okay. This 2000 entry, now if I check the balance of this SBI bank account balance should be show here. Okay. 19,21,950. That means it is basically going wrong entry, because if I deposit the amount, so what should be there? Already minus mein ja raha, because bahut zyada credit ho rakha hai bhai. Already minus mein ja raha, credit balance mein. So we have deposited, jab hum deposit karenge na, yahan pe aap dekh rahe ho iska balance kya aa raha hai, credit mein hai. Ye jo dash ka sign hai na, ye credit minus hai, credit side mein. So mera already minus mein ja raha, upar se aur minus ho gaya. Maine deposit kiya to kya hona chahiye tha, ये जो है ना, ये घट मतलब ये क्या होना चाहिए था, 21 घटना चाहिए, हमारा लोन और कम हो जाना चाहिए ना, बट लोन और क्या हो गया, बढ़ गया. सो हाउ वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई दिस एंट्री. हम जब रेक्टिफाई, ये देखो जो एंट्री पास किया था उसका नंबर क्या, ये है ना, ये नोट करना पड़ेगा. और नोट अगर नहीं भी किया तो कोई टेंशन नहीं, आपने एंट्री तो यहाँ से देख सकते हो ना. हाँ, तो यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट नंबर था, यही एंट्री गलत हुई है ना. यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट नंबर पा सकते हो, है ना. अब क्या करना है, इसको रिवर्स करना है. रिवर्स करने के लिए देखिए हम कहाँ जाएंगे. रिवर्स करने के लिए टी कोड होता है FB08. गुड मॉर्निंग. FB08 इज द डॉक्यूमेंट टू रिवर्स एनी डॉक्यूमेंट. यू नीड टू पुट द डॉक्यूमेंट नंबर हियर. So I need to copy it. So if we are going to copy this, normally it cannot be copy. So you need to press Control Y. So you can get this plus icon. Now you just select this and press Control C. Control V. Clear? Now here company code you need to put
फिस्कल ईयर नाउ रिवर्सल रीजन यू नीड टू गिव व्हाई यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस डॉक्यूमेंट सपोज रॉन्ग एंट्री एंड समथिंग आई थिंक द रीजन इज नॉट अवेलेबल रॉन्ग एंट्री सो आई एम जस्ट टेकिंग एनी वन ओके एनी रीजन यू कैन टेक सपोज एनी रीजन इज नॉट अवेलेबल सपोज द रॉन्ग एंट्री इज नॉट अवेलेबल सो यू नीड टू जस्ट टेल टू योर सीनियर प्लीज क्रिएट अ रीजन A wrong entry so they will create and after that you can find it but I am taking first one reversal reason posting date don't if I am not putting the date here so agar hum yahan pe date nahi dalte so the entry will be reverse on the original date of entry so jis date mein entry hui rahegi usi date mein reverse ho jayegi if I am going to put the entry suppose current date aaj ki date mein dalta hu तो एंट्री किसी भी डेट में हुई हो बट वो रिवर्स कब होगा आज की डेट में आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट द डेट बिकॉज आज ही एंट्री पास किया है तो आज ही होना है डेट डालेंगे नहीं डालेंगे बातें की है नाउ पोस्टिंग पीरियड डोंट नो नीड नॉट नीडेड जरूरत नहीं है डालने की एंड दिस इज चेक मैनेजमेंट स्पेसिफिकेशन मैनेजमेंट यहाँ पे पुट करेगा हमें नहीं डालना तो ये मैनेजमेंट का है वॉइड रीजन है ना कोड ये कौन डालता है ये कोड्स टेस्ट प्रिंट आउट या जो भी ये सब किसका होता है मैनेजमेंट स्पेसिफिकेशन वो डालेगा हमें नहीं डालना सो नाउ इफ यू वांट टू सी द एंट्री बिफोर रिवर्सल यू कैन चेक विच एंट्री वी आर गोइंग टू रिवर्स आई एम गोइंग टू रिवर्स दिस एंट्री क्लियर सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सेव दिस एंट्री सॉरी सेव कर रहा हूँ We are just going to save this entry. Now go back, press escape button. Okay, now we are just going to save this entry. Control S. Now here you can see document is generated now. ये जो document generate हुआ है ना ये system ने generate किया हमने नहीं generate किया तुम सोच रहे थे उस entry को क्यों ना reverse करके FB50 में कर ले नहीं करेंगे ना क्यों करेंगे हम अगर हम करेंगे तो फिर एक नया जनरेट हम करेंगे डॉक्यूमेंट और ये देखो डॉक्यूमेंट किसने जनरेट किया सिस्टम ने और जब आप रिवर्स करेंगे तो रीजन कहाँ दे पाएंगे FB50 में अगर आप उल्टी एंट्री पास करते हो तो रीजन कहाँ डिफाइन कर पाओगे नहीं डिफाइन कर पाओगे ना सो वी नीड टू पोस्ट द रिवर्सल एंट्री हियर सो SAP सिस्टम में ध्यान रखना है रेक्टिफिकेशन हम लोग ऐसे ही करते कोई भी एंट्री गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो और फिर सही एंट्री पास कर दो तो मैंने देखो रिवर्स कर दिया अब रिवर्स करने के बाद अब जाते हैं जरा रिपोर्ट पर असर देखते हैं पहले तो यहाँ 190 ये है ना 21,950 अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अब हम लोग जाके चेक करते हैं कम हो गया है ना लोन मेरा कम होगा ना जब मैंने जमा कर दिया तो लोन मेरा कम हो जाएगा ठीक ये हो गई एंट्री अब हम क्या करेंगे डिपॉजिट क्या मतलब हमारा वापस एंट्री वापस सही हो गया अब हमें क्या करना होगा सही एंट्री पास करनी है अब सही एंट्री जो पास करनी है वो कैसे पास करोगे सही एंट्री पास करने के लिए आप वापस आओगे FB50 में आफ्टर रिवर्सल स्लैश एन FB50 आफ्टर रिवर्सल यू नीड टू गो इनटू द FB50 और यू कैन पोस्ट दिस एंट्री फ्रॉम F-02 आल्सो सो आई एम गोइंग टू शो यू F-02 F-02 हियर आल्सो यू कैन पोस्ट दिस एंट्री दिस इज 24 ओहो डेट इज रॉन्ग ऐसे इज अ डॉक्यूमेंट टाइप पीरियड INR ओके अ रेफरेंस कॉन्ट्रा 40 इज पोस्टिंग की फॉर डेबिटिंग NS So we need to debit bank because we are going to deposit the amount. Enter. Now the amount you need to put here 2000. Now SBI account is debited with this amount 2000. Now just tab use tab button to go for on to the next. Now you need to put the posting key here. Okay. Suppose you forgot the posting key. Just
क्लिक ऑन दिस मैग्नीफाइंग बटन और यू कैन प्रेस F4. नाउ यू कैन सी द पॉसिबल एंट्रीज. दीज आर द सी. सी इज फॉर क्रेडिटर बेसिकली एंड वी होता सॉरी वी फॉर वेंडर सॉरी वी फॉर वेंडर डेबिट. सी इज फॉर समथिंग एल्स. जी इज फॉर GL. ए इज फॉर एसेट. नाउ हियर यू कैन सी एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट 70-75 70-75 GL डेबिट इन डिफरेंट टाइम्स इट विल बी डेबिटेड. सो इन डिफरेंट एरिया दिस इज मटेरियल. मटेरियल डेबिट फॉर 89. मटेरियल क्रेडिट फॉर 99. सो दैट पोस्टिंग के इज डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट प्लेस. सो अलग अलग वाउचर में अलग अलग पोस्टिंग कीज होते हैं. सो वी नीड टू यूज दिस 50. नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट कैश अकाउंट. इंटर अमाउंट यू आर यू नीड टू कॉपी स्टार नरेशन यू नीड टू कॉपी प्लस इंटर. नाउ बिफोर सेविंग दिस एंट्री अगेन यू जस्ट गोइंग टू द सिमुलेट. Go into the document. If the simulate button is not showing here, go into the document and just simulate this entry. Now here you can see the posting in each and every detail. Now you need to save this entry. Control S. Now you can check the report. FBL3N. Just go into the list and refresh this. I have passed the entry with 20,000 rupees now. In place of 2000, so it's showing this. So loan और मेरा कम हो गया ना. SBI में मेरा actually minus में balance चल रहा था. जमा करूँगा तो loan और कम हो जाएगा, reduce हो जाएगा. So this is reversal entry. If you check the notes here, I am showing you. Individual reversal FB08 wrong entry. Okay, FB50. Suppose I have post this entry repair account debit to bank account 15,000. Reverse this entry. Okay, so bank account debit to reverse repair account ये हो जाएगा. And then correct entry आप pass कर लेना. Marketing expense account debit to bank account. है ना, कोई entry अगर गलत कर दी आपने FB50 में या F-02 में, तो FB08 से उस डॉक्यूमेंट नंबर को पहले कॉपी करो और उसको रिवर्स कर दो. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज बता दूं आप लोगों को, कॉपी करने का तरीका. एक तो कॉपी करने का मैंने बोला इस तरह से, अगर आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी नहीं होता. तो कॉपी नहीं होता, मैं आपको दिखा दे रहा हूं. FBL3N. कंट्रोल वी. अच्छा हो रहा है कॉपी. अच्छा ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हुआ कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पता होना चाहिए आपको. यहाँ पे होता है ऑप्शन, ऑप्शन में जाइए, ये होता है क्विक कट पेस्ट. होता है क्विक कट पेस्ट भी बता दे रहा हूँ. इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको सेलेक्ट किए है ना, अब जैसे आप किसी भी चीज को ना सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट किया आपने, हो गया कॉपी, कॉपी हो गया. अब आपको वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. हाँ बस वो ऑन हो गया, वो ऑन रह गया. अब वो इफ यू चेक हियर क्विक कट पे ऑलरेडी सेलेक्ट है. और अगर नहीं सेलेक्ट होगा, अगर ये ऑफ कर दोगे, अभी ऑफ हो गया. अब वो सेलेक्ट जब करोगे, ये देखो अब इस पे चला गया ना, अब नहीं है यहां से, देखो चला गया. सो अब यहां पे क्या होगा, कॉपी अगर नहीं होगा ना इस तरह सेलेक्ट करने पे, अब कॉपी नहीं होता, नहीं हो रहा है ना. ड्रैग कर रहा हूं बट वो जो ब्लैक सेलेक्शन है वो नहीं अपीयर हो रहा है, आ ही नहीं रहा है. अब ये कंट्रोल, अब देखो यहां पे इस तरह से अगर मैं अगर पेस्ट करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा, नहीं होगा ना. Clear? Now you need to press Control C. Sorry, ये इसको लिख करते हैं. Control C. Control V. नहीं हो रहा है.
नहीं हो रहा है। नाउ कंट्रोल वाई आपको प्रेस करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग कंट्रोल वाई ही करते थे, दिस वन जैसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते थे, फिर कंट्रोल सी कॉपी करते थे, कंट्रोल वी। कहने का मतलब क्या है सर जी, क्विक पेस्ट, क्विक कॉपी पेस्ट वाला आपका लिए हेल्पफुल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल वाई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसमें। सो ये आप यूज कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन के दौरान। नाउ टुडे वी नीड टू ऑल्सो लर्न द न्यू टॉपिक, दिस इज पार्किंग एंड पोस्टिंग। नाउ बिफोर लर्न दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज पार्किंग एंड पोस्टिंग, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इन SAP, बिकॉज एवरीवेयर पार्किंग पोस्टिंग कंसेप्ट इज गोइंग ऑन। सो वेन एवर यू आर नॉट ऑथोराइज टू पोस्ट एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, बिकॉज इन कंपनी, इन द कंपनी एवरी वन इज एबल टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन, एवरी वन इज एबल टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन, देयर इज नो अथॉरिटी। बात समझे, कहने का मतलब है क्या, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऑथोराइजेशन होता है, ऑथोराइजेशन जस्ट लाइक हर एक बंदा हर एक ट्रांजेक्शन नहीं पोस्ट कर सकता ना, और अगर हर एक बंदा हर एक तरह के ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा तो फिर वहाँ तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। बट इन SAP एवरीवेयर आप देखोगे सबकी अथॉरिटी अलग अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज आर डिफरेंट। जस्ट लाइक सपोज यू हैव फाइव डेजिग्नेशन, सपोज पांच पोस्ट है, जूनियर पोस्ट है, जूनियर पोजिशन इज एग्जीक्यूटिव ऑथोराइज टू पास 10,000 रुपीज, वो सिर्फ 10,000 रुपए तक के वाउचर की एंट्री कर सकता है, उससे ज्यादा की एंट्री, 10,000 तक का खर्चा आएगा वो एंट्री कर देगा। अगर 10,000 से ऊपर आता है तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास आएगा, उसके पास लिमिट है 1 लाख तक के खर्चों की एंट्री पास करने की। डिपार्टमेंटल मैनेजर है तो उसके पास 2 लाख की है। सपोज AGM है, वो एक्चुअल टू एक्चुअल कर सकता है, एक्चुअल टू एक्चुअल चाहे जितना अमाउंट हो। DGM है, वो भी एक्चुअल टू एक्चुअल कर सकते हैं। इसको हम लोग SAP में कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। जैसे नहीं कहते आई कैन नॉट टॉलरेट यू, है ना, मैं तुम्हें नहीं सह सकता, तो वैसे ही है। जब इतने बड़े बड़े वाउचर्स आते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी लिमिटेशन होती है। जैसे बैंक में भी जाओगे, एक ब्रांच होता है ना, तो एक ब्रांच की भी लिमिट, वो मैनेजर की लिमिट होती है, भैया तुम 50 लाख तक का लोनिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा का लोनिंग अगर होगा तो आपको फिर रीजनल ब्रांच में आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस लोन एप्लीकेशन को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सबकी लिमिटेशन होती है, टॉलरेंस होती है। तो इफ जूनियर अथॉरिटी गॉट एनी बिल मोर देन 10,000, सपोज जूनियर अकाउंटेंट है ना, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जो छोटे छोटे एंट्रीज पोस्ट कर रहा, अब उसको अचानक कोई वाउचर मिल गया जो 10,000 से ऊपर की है, देन ही इज गोइंग टू पार्क द डॉक्यूमेंट। वो एंट्री को क्या, वाउचर देख करके बस पार्क करेगा, पार्क जैसे ही करेगा वो पार्क फ्लो में जाएगा, फ्लो होकर के वो किसके पास चला जाएगा, डिपेंड ऑन द हायरार्की। अब हायरार्की के ऊपर होता है, वो जो भी 10,000 से ऊपर की एंट्री पास करेगा वो सपोज सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास आ जाता है, वो वाउचर फ्लो में आकर के किसके पास आ जाएगा, पार्क डॉक्यूमेंट। पार्क डॉक्यूमेंट कोई भी एंट्री अगर हम पार्क करते हैं ना, दैट पार्क्ड एंट्री इज नॉट हिट योर PL बैलेंस शीट। कोई भी एंट्री अगर हम यहाँ कर रहे हैं ना FB50 में, वो PL बैलेंस शीट को हिट करता है जब हम पोस्ट करते हैं, और जब हम पार्क करते हैं ना वो PL बैलेंस शीट को हिट नहीं करेगा, वो एंट्री एक तरह से हो करके भी नहीं है। हाँ, 4 डे बस पार्किंग है, वो आपने पार्क कर दिया बट वो एंट्री अभी PL बैलेंस शीट को हिट नहीं करेगी जब तक उसको पोस्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। इफ जूनियर अथॉरिटी गॉट, ये हो गया, व्हेन दिस डॉक्यूमेंट रिसीव बाय द सीनियर, सपोज सीनियर को जब मिल जाएगा, देन ही कैन रिलीज द डॉक्यूमेंट और रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट और पोस्ट द डॉक्यूमेंट। वो तीन काम कर सकता है। सपोज उसको लगता है ये डॉक्यूमेंट वो भी नहीं पास कर सकता, वो 1 लाख से ऊपर का है, उसने पार्क तो कर दिया, तो ये सीनियर अथॉरिटी भी 1 लाख से ऊपर है तो उठा के ना डिपार्टमेंट मैनेजर को रिलीज कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, सर आप देख लो, अब मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, आप चेक कर लो फाइनल, तो वो चेक करके कर देगा पोस्ट। और अगर इस सीनियर एग्जीक्यूटिव को लगता है कि यार ये तो गलत है, एंट्री है ये तो है ही नहीं 2 लाख का ऊपर का जो भी है, या समथिंग वाउचर गड़बड़ है, तो रिजेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट को कि आई कैन नॉट पोस्ट दिस एंट्री बिकॉज दिस एंट्री हैविंग सम एरर्स, पोस्ट द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज उसको सब कुछ ठीक लगता है तो पोस्ट कर देगा, पोस्ट करते ये PL बैलेंस शीट को हिट करेगा। क्योंकि देखो ऐसे तैसे ना, अगर हमने कोई नया बंदा आया सपोज मेरी कंपनी में, और आज ही से मैंने उसको पोस्टिंग की अथॉरिटी दे दी,
तो वो तो उल्टी पुल्टी एंट्री डाल करके मेरा पीएल बैलेंस शीट पूरा क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो जब कोई नया बंदा आता है ना, हम उसको सिर्फ पार्किंग के लिए देते हैं, जैसे तुम्हें भी जूनियर अकाउंट अभी नए नए अभी ज्वाइन किए, तो मैं तुम्हें देऊंगा अथॉरिटी बस पार्क करने के लिए, तुम सारी एंट्री पार्क कर दोगे, मैं जाऊंगा सारे पार्क एंट्री को एक बार चेक करके देन फाइनल मैं उसे पोस्ट करूंगा, ताकि गलती से भी गलती ना हो। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया पार्किंग पोस्टिंग का। सो टू पार्क अ डॉक्यूमेंट टीकोज इट क्वाइट डिफरेंट, वी यूज वी इन प्लेस ऑफ बी, जस्ट लाइक FB50 है तो वहां FB50 यूज करना। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोस्टिंग डॉक्यूमेंट, हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको नॉन पोस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो पार्क डॉक्यूमेंट है वो पोस्टेड नहीं है। ओनली फॉर पार्किंग FD-65 होता है, जैसे FD-02 है ना, GL पोस्टिंग लिए FD-65 किसके लिए, GL पार्किंग के लिए। GL पार्किंग FV-50, FV-50 की जगह क्या यूज करोगे, FV-50। बाकी वेंडर इनवाइस पार्किंग हो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, वहाँ FV-60 होता तो FV-60 हो जाएगा। कस्टम इनवाइस पोस्ट करने के लिए FV-70 होता तो FV-70 हो जाएगा, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग FV-50 पे फोकस करेंगे। नाउ जब हम लोग FV-50 में करते हैं, तो यहाँ देखो ये जो होता है ना, ये बटन हो जाता है पोस्ट का, और यहाँ एक बटन देखो पार्क का भी दिया रहता है, हम यहाँ से भी पार्क कर सकते थे। कोई वो वही चीज बताने जा रहे हैं, वो आप भी कर सकते हो। अब देखिए FV-50 में अगर ओपन करता हूं ना, तो यहाँ देखो क्या खुल रहा है, पार्क जीएल डॉक्यूमेंट। नाउ ये जो बटन होगा ना, ये पार्क का हो गया, सेव पार्क डॉक्यूमेंट ना, यहाँ पे पोस्ट बटन अलग यहाँ पे दिया हुआ, अगर पोस्ट करना है तो यहाँ से पोस्ट करना। जैसे समझ लो जूनियर अथॉरिटी है, हम उसको नहीं देना चाहते हैं, क्या FV-50 नहीं उसको अलाउ करेंगे, उसको सिर्फ FV-50 अलाउ एक्सेस देंगे, तो वो सिर्फ FV-50 में ही एंट्री कर सकता है, यानी उसे पार्क कर सकता है, कुछ इस पोस्ट नहीं कर सकता। वो ये बटन दबाएगा भी तो कुछ होने वाला नहीं है, हाईलाइट ही नहीं होगा ये बटन, बात समझे। तो ये तो यूजर एक्सेस है, यूजर को क्या एक्सेस हम देंगे। सो हम लोग FV-50 में जाके पार्क करते हैं एक एंट्री, 29/01/2024। कमीशन रिसीव की एंट्री करते हैं, पहले डेबिट होगा ना, डेबिट में बैंक कर लेते हैं SBI। हाउ मच अमाउंट, सपोज 2 लाख, बीइंग कमीशन रिसीव। एच इज फॉर डेबिट, नाउ क्रेडिट, सॉरी स्टार प्लस, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू पार्क, इफ आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड कंट्रोल एस ना, सो अब देख लो कंट्रोल एस का यूज किस लिए हो रहा है, पार्क को सेव करने के लिए, पार्किंग से कंट्रोल एस ना। यहाँ देखो एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, और वहां पे साफ साफ लिखा है इट इज पार्क्ड, ये पार्क्ड है, और जब हम पोस्ट करेंगे तो यही डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट भी हो जाएगा सेम नंबर से, नंबर नहीं चेंज होगा, वो नंबर बस पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो पार्क हुआ, अब वी नीड टू चेक द रिपोर्ट, सो वी आर गोइंग टू चेक द रिपोर्ट। इफ आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू सेशन /O फॉर ओपन अ न्यू सेशन, एंड नए सेशन पे हम ट्रांजेक्शन जो ओपन करना चाहते हैं FBL3N, GL रिपोर्ट हम चेक करना चाहते हैं लेजर वाइज, तो एक नया सेशन खुल गया। यहाँ पे मैं कमीशन रिसीव के का लेजर चेक करूंगा, कमीशन रिसीव, ना हियर यू कैन सी वो 2 लाख की एंट्री यहाँ नहीं शो कर रहा है, वो 2 लाख की एंट्री अगर होती ना तो 2,34,000 हो जाता ना, 2,34,000। नाउ वी नीड टू पोस्ट दोज पार्क्ड एंट्री, इफ यू वांट टू पोस्ट एनी पार्क्ड एंट्री, सो यू नीड टू गो
ऑन टू द न्यू सेशन दिस न्यू ट्रांजेक्शन कोड, दैट ट्रांजेक्शन कोड इज FBV0. FBV0. FBV0 इज अ टी कोड. FBV0 इज अ टी कोड. ये टी कोड है FBV0, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड ऑल द पार्क डॉक्यूमेंट. ओके, एंड फ्रॉम देयर यू कैन पोस्ट द पार्क डॉक्यूमेंट ऑल्सो. सो पार्किंग से पोस्टिंग करने के लिए हमें FBV0 पे जाना होगा. बाय डिफॉल्ट देखो लास्ट एंट्री दिख रही है, लास्ट पार्क डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, यही था. इफ आई हिट एंटर सो द एंट्री विल ओपन. हाँ, सो इफ यू वॉन्ट टू सी ऑल दोज पार्क्ड एंट्री, सो डोंट गो देयर, यू नीड टू गो हियर डॉक्यूमेंट लिस्ट. नाउ यू कैन सी दिस इज माई यूजर आई डी. इफ आई फाइंड एनी पर्टिकुलर यूजर्स, जस्ट लाइक आप यूजर हो, आपको मैंने सारा पार्क करने के लिए दिया, तो आपका यूजर आई डी लिखूंगा और मैं फाइंड कर लूंगा, तो आपके द्वारा पार्क किया सारी एंट्री मुझे दिख जाएगी. ये आपने पार्क कर रखा है ना, तीन एंट्री आपने पार्क किया आज, इसको मैं चेक करूंगा, यहीं से पोस्ट कर दूंगा. लेकिन मेरे को चेक करना है सारी एंट्री कितनी पार्क्ड है, और मुझे सभी लोगों का चेक करना है, तो ये देखो फाइंड करूंगा तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी. तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्क किया, ये सब पार्क्ड एंट्री है, ये अभी तक पोस्ट नहीं हुई है, इसका इफेक्ट पीएल बैलेंस शीट पे नहीं गया. और अगर मुझे देखना है पर्टिकुलर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, सपोज मुझे आज का सारा पार्क डॉक्यूमेंट चाहिए, डेली मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने की, तो मैं क्या करूंगा, आज का डेट डालूंगा फ्रॉम दिस डेट, सेम डेट है, अरे यार 01 है, सो नो एग्जीक्यूट. सो आई कैन फाइंड टूडे सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री ये हुए, सो जस्ट डबल क्लिक, यही एंट्री थी ना, ये पार्क्ड है ना, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट फ्रॉम दिस बटन. मैंने चेक कर लिया, अरे यार अमाउंट 2 लाख का नहीं था, 2,50,000. यू कैन अमेंड द अमाउंट ऑल्सो, 2,50,000 जस्ट लाइक मैंने कर दिया, नीचे भी मैंने 2,50,000 कर दिया, एंट्री अब सही हो गई, 2.5 लाख की रेवेन्यू जनरेट हुई थी, 2 लाख की नहीं, रेक्टिफाई हो गया ना. अब क्या करेंगे, हाँ भाई पार्क डॉक्यूमेंट में तो कुछ भी कर लो ना, वो तो अभी तो बैलेंस शीट पीएल को हिट ही नहीं किया है ना, उसके पहले अगर मैंने भी बोला ना तीन काम कर सकते हो, यू कैन रिलीज, यू कैन रिजेक्ट, यू कैन एडिट, यू कैन पोस्ट, पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट. आफ्टर पोस्टिंग नाउ यू कैन सी द सेम नंबर इज गोइंग टू बी पोस्टेड ऑल्सो, सो कोई नया डॉक्यूमेंट नंबर नहीं जनरेट हो रहा, सेम डॉक्यूमेंट नंबर से वो पोस्ट भी हो जा रहा है. Now, if I am going to check the report, list and refresh, now here you can find this amount, 2,84,000 now. अब वो हिट कर गया ना. Now, this is the concept of parking and posting. So, parking, posting, so in interviews, maybe this question will be asked, from where we can post all the park document. So, you need to say FBV0. FBV0. Is a T code to post all those parked entry. To post any park document, FBV0. Okay? To watch and display those documents which are posted from parked, you can also find the FBV3. But I think this T code is available or not. We need to find it. डिस्प्ले पार्क डॉक्यूमेंट, नो यू आर नॉट ऑथराइज, सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द अनदर टी कोड फ्रॉम वेयर यू कैन सी द ऑल एंट्रीज विच इज पोस्टेड फ्रॉम पार्किंग. क्लियर ना, होल डॉक्यूमेंट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज होल डॉक्यूमेंट. What is whole document? At first, you need to understand the concept of this. Holding a document, if I am not sure,
अबाउट एनी एंट्री देन वी कैन होल्ड अ डॉक्यूमेंट लाइक इन इनवॉइस अमाउंट इज नॉट श्योर मीन्स इट इज क्रीज्ड और ब्लर. सपोज वाउचर में जो अमाउंट है ना वो ब्लर है या फिर क्रीज्ड हो रखा है. देन आई विल पास द एंट्री एंड होल्ड इट. नाउ दिस एंट्री विल नॉट पास टू एनी वन. जैसे जब हम पार्किंग करते हैं या वो तो फ्लो में चली जाती है बट ये फ्लो में नहीं जाता है. ठीक है. नाउ दिस एंट्री विल नॉट पास टू एनी वन लाइक वर्क फ्लो मीन्स डॉक्यूमेंट इज ओनली विद यू. नॉर्मली जैसे हम जब पार्क करते हैं ना तो पास हो जाती है अगले को बट ये जब पार्क नहीं ना हुआ है ये तो आपने होल्ड कर लिया अपने पास आप ही के पास है ये एंट्री कहीं गई नहीं है. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड क्लेरिफाई द अमाउंट एंड विद योर सीनियर एंड पोस्ट इट. अब ये तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है. होल्डिंग अ डॉक्यूमेंट इज एडिटेबल डिलीटेबल पोस्टेबल एंड पॉसिबल. कुछ भी कर सकते हो उसके साथ. यू कैन होल्ड ऑल्सो जैसे नहीं अधूरी एंट्री भी आप होल्ड कर सकते हो. जैसे एंट्री में सिर्फ डेबिट किया आपने क्रेडिट किया ही नहीं है यू कैन होल्ड इट. हाउ टू होल्ड अ डॉक्यूमेंट F-0 to FB-50 में कोई भी एंट्री करो वहां होल्ड का बटन दिया रहता है आप उसको होल्ड कर दो. जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू होल्ड एन ट्रांजेक्शन FB-50 29th January. सपोज एक्सपेंस एंट्री इज देयर. द एक्सपेंस सपोज इट्स स्टेशनरी एक्सपेंस अमाउंट. $2,340 but the amount is not clear to me being a stationery purchase. Now I'm not clarify with this entry so I just can hold this entry. This button is for holding a document. Now you can hold. When you hold it, it will ask a temporary document number you need to put. So I can put anyone. I'm just going to put 10 deep 10. Okay, any number you can give and you can hold it. So suppose further we want to post those hold entry. अब वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ. Same thing we need to check. Okay, it's run quite slow. Maybe because of net. Okay, now again we need to go into FB50. Suppose amount is now clear. It is 2350, not 2340. So what we need to do, again we need to go into the FB50. Okay, now we need to find the whole documents. You just click on tree on button and also there is also button F5 hold. No, it is for holding a document. You need to click on tree on button. When you tree on, now you can see the held document. Click on this button. Click. Now here you can see Deep 10. Okay, you need to just double click on this. When I double click on this, you can find this entry. Now I can free off this entry. Now I can change the amount. 2350 is the amount. And we can make the credit entry. Now in credit side, suppose I am going to pay
इन कैश। स्टार प्लस नो आफ्टर दिस यू कैन सेव दिस एंट्री। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन सेव दिस एंट्री। नाउ द एंट्री इज नाउ पोस्टेड। नाउ इट विल हिट योर पीएल एंड बैलेंस शीट अप। क्लियर। नाउ डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। नाउ नाउ दिस इज अ सिंपल वे टू होल्डिंग अ डॉक्यूमेंट। सो वी हैव लर्न टूडे थ्री टॉपिक्स। नंबर वन, rectification entry, that means reversal, how we use reversal entry, and how we when we can do this entry reversal. And the second thing is parking posting, and the third is holding a document. So in job mostly we have to use these all concepts. ये सब हमें use करने पड़ते हैं, so we need to learn these things. Okay, the next topic we will learn tomorrow, not today. So thank you for watching this video.